हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी किसाना विश्नोई जी, श्रीमती गीता विश्नोई प्रधान लोहावट, मोहन गोदारा जी, बस्तीराम जी मेघवाल, शेर खान जी प्रधान आऊ, दिलीप चौधरी जी, मांगीलाल चौधरी जी, पांचाराम विश्नोई, कुकराज मेघवाल, आनंद प्रकाश जी सैन, गणेश कसवा जी, रामचंद्र मदरना जी, सुनील तरण जी, प्रवीण मदरना जी, बाबू सिंह जी बापिनी, शकूर खान साहब, कांची राठौर, इसाक मांगलिया, दिनेश मेघवाल, नारायण सिंह जी मायला, ओम प्रकाश जांगू, सोई राम सारण, बाबू राम छियाग, चुनीलाल जी मेघवाल, गंगाराम प्रजापत, दम्मा राम चौधरी, नरेंद्र भाटी, ध्रुव जोशी जी, मगराज पावड़ा जी और तमाम उपस्थित लोहावट से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मेघवाल साहब बैठे हुए हैं और उनकी उपस्थिति के अंदर अब जिला अलग बन गया आपका, तो ये तो जिले जोधपुर के अध्यक्ष हैं पर अभी कांग्रेस जिला एक ही है, इसलिए ये अध्यक्ष के रूप में मेरे साथ बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, एक तरफ तो दीपावली की राम राम, आपको सबको राम राम। दूसरा जो है, जिला बनने के बाद में पहली दीपावली आ रही है, तो आपको विशेष बधाई है, विशेष बधाई है, शुभकामनाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन हो रहा, साथी थे वो स्वर्गवासी हो गए। अभी कृष्णा राम विश्नोई ने पीछा नहीं छोड़ा, जिला बनना चाहिए। इन्होंने जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम भी माँ अमृता देवी विष्णु के नाम करवाने के लिए प्रयास किए, तो एक ऐसा प्रतिनिधि जिसको अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हमारे नेता सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने लोहावट की ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन हो रहा है। आपके विश्वास के आधार पर भेजा है कि वहां की जनता इनको कामयाब करेगी। अरे भाई अब मुझे बोलने दो, इस आपके विश्वास के आधार पर टिकट मिला इन लोगों को, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तमाम लोग सारे मतभेद भूल करके, समाज के हों, मतदाता हों, जितने लोग हैं, इस समय मतभेदों का नहीं है, बहुत कठिन समय चल रहा देश के लिए, प्रदेश के लिए, समय निकाल सकता है। लोहावट की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन हो रहा है, उन्होंने सबको बधाइयां दी और ऐसे हालातों में चुनाव हो रहे हैं और आप देख रहे हो कि एक तरफ तो हम लोग लगे हुए विकास के लिए और ये वो क्षेत्र जहां मैं बात खड़ा होकर बात कर रहा हूं, लोहावट का माना राम जी विश्व दुनिया में, तो पहली बार मैं परसा मरेना साहब के और राम सिंह विष्णु जी के साथ में रात को 2 बजे थे, माँ जी के घर पे आए, वहीं रुके थे हम लोग। जब मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का, तब की बात है, आप मेरे कोई बुजुर्ग लोग बैठे होंगे तो उनको एहसास होगा। तो आपसे रिश्ता मेरा जो है लगभग 43 साल का हो गया, 43 साल का रिश्ता हो गया। आपने मुझे उस वक्त आशीर्वाद दिया था 40 साल पहले
पहली बार मैं एमपी बना, उसके बाद में मैं लगातार आपकी सेवा करता रहा किसी किसी रूप के अंदर। और आपने रिश्ता निभाया। और मैं कह ये कहता हूँ, आज अगर मैं राजस्थान भर के लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान वो है पड़ोसी क्षेत्र का, जोधपुर जिले का, जहाँ के अकाल सूखा पड़ा हो, बीके में तकलीफ में हमेशा मैं गांव गांव में गया, ढाणियों में घूमा, बारीकी से समस्या समझी गांव की, कोई रे छोड़े ही नहीं उस वक्त। मैंने इतने दौरे करता था मैं, चाकू चिमाना और दूरी की भूस लगा करके, मैं समझता हूँ कि मोखरी गांव हो कोई गांव हो, अब तो कई तहसीलें बन गई, कई एडियो अभी लग गया वहाँ पर। कहने का मतलब मैंने जो सीखा है, जो राजकार्य कर रहा हूँ मैं राजस्थान भर के अंदर, और जिनकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, उसका श्रेय आपको जाता है, आपको जाता है। कितना मुझे सिखाया, अकाल सूखे में क्या स्थिति होती है, पानी की क्या समस्या होती है, चारे की हो, मनुष्यों के पीने के पानी की हो, डांडों के पीने के पानी की हो, सब कुछ मैंने सीखा। और वही अनुभव मैंने काम दे रहा हूँ राजस्थान भर के अंदर। इसलिए आज भी मैं आया हूँ तो किसान राम के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। किसान राम को आप एक नौजवान भी है, और मैं समझता हूँ कि अब मैं क्या बताऊँ आपको, इतने काम जो इसने कराए लॉट में, और मैंने कह रखा था कि कृष्णाराम तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते तो नहीं थकूंगा। और मैं कर दिखाया, कई काम तो मुझे याद भी नहीं होंगे, कई काम तो मुझे याद भी नहीं है, पर मोटे मोटे काम कुछ मैं लिख के लाया था। डेचू और लोहाट में कॉलेज खोली गई, कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात है। लोहाट में उप जिला अस्पताल, बापिनी पीलवा जालोड़ा में सीएससी, मंडला कल्ला नौशर में पीएससी, सगरी में होम्योपैथी अस्पताल, लोहाट डेचू आऊ और बापिनी में एसडीएम ऑफिस खोल दिए गए। एसडीएम ऑफिस किसे कहते हैं बताइए आप। चित्रवा आऊ में को तहसील, पीलवा को उप तहसील बना दी गई। लोहाट में डिप्टी एसपी ऑफिस, सीजेजेएम ऑफिस कोर्ट खोला गया लोहाट में। गौण कृषि मंडी ऊपर लोहाट को कृषि ऊपर मंडी में कन्वर्ट कर दिया गया। लोहाट में सरल विकास के लिए हॉस्टल बन रहा है, केंद्रीय बस स्टैंड बन रहा है। लोहाट में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो रहा है, 23 करोड़ के काम चल रहे हैं, हो गए हैं। और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के थर्ड पे जो है लोहाट देचू में पीरवा थदरी जम्बेश्वर नगर योजना का काम चल रहा है, मतलब 700 करोड़ की अधिक से पेयजल की योजनाएं चल रही है, 700 करोड़ चल रही है। सड़कें बन रही है आपके यहाँ चारों लोहाट में 300 करोड़ की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको, जितना इसने काम करवाया है इतना मैं समझता हूँ कि बहुत कम जगह हुआ होगा जितना लोहाट में काम हुआ। क्योंकि नई विधानसभा बनी थी, 10-15 साल ही हो गए अभी, इसलिए मेरा फर्ज था, नई विधानसभा बनी है, कदम अपने हाथ में हैं, तो क्यों नहीं इसका उपयोग करें लोहाट के विकास के लिए। और वो किया मैंने। बाकी पानी की योजना हो, बिजली की हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं, इलाज फ्री आपका, 25 लाख तक इलाज फ्री आपका, दुनिया में कहीं नहीं। और स्वास्थ्य के अधिकार का कानून पास कर दिया अलग से मैंने। कहने का मतलब कि आज राज्यों में 20% आबादी में मिलता है अन्य राज्यों में 5 लाख का बीमा, हिंदुस्तान भर के राज्यों में 5 लाख का बीमा है, वही 20% आबादी के लिए
राजस्थान एकमात्र राज्य जहाँ पूरी आबादी के लिए गरीब अमीर कोई हो वो 25 लाख का बीमा ले रहा है। तो कहने का मतलब है कि महंगे राज शिविर में आप बताओ हमदर्द गारंटी दी थी लोगों को, जो 25 लाख का बीमा भी था, 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी है, 500 रुपये में सिलेंडर गैस का, लंबी रोग में गाय मर गई तो एक गाय मर गई लंबी रोग में 40,000 रुपये दिए मैंने उस परिवार को, कितने राज्यों में दिए हैं। आगे 2 गायों का भैंसों का मैं बीमा करवा रहा हूँ, आप बताइए 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो हो गया है राजस्थान में, 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो हो गया है, और 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए कुओं पर, 14 लाख किसानों के बिल जीरो हो गया है। तो महंगाई के वक्त में हमने कोशिश की है, अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं हम लोग, दाने और शक्कर और तेल क्यों दे रहे हैं कि गरीब की रसोई में जाएगा सामान तो उसको सुकून मिलेगा, महंगे दौर में हमें मदद मिल रही है। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं, देखो काम करने में बच्चों को दूध पिला रहे हैं स्कूलों के अंदर, छोटे बच्चों को वर्दी दे रहे हैं, सब काम राजस्थान में हो रहा जो कहीं नहीं हो रहा है। 500 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा पैसा कहाँ लाएगा, पैसों वाले पास तो पैसे हैं, उनका हमने इंतजाम किया, कोचिंग अलग करवा रहे हैं 30,000 बच्चों को, स्कूटी अलग दे रहे हैं महिला बच्चियों को, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। एक जो 30 गर्ल्स कॉलेज खोल दी होगी हम लोगों ने, 50 कृषि कॉलेज खोल दी राजस्थान में, कृषि कॉलेज कुल 55 राजस्थान में, 50 खोल दी 5 साल में। इस प्रकार से हमने एक ही चीज का ध्यान रखा है, कोई कमी आने दी नहीं हमने। किसानों का अलग बजट पेश हुआ हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य, अलग बजट पेश किया मैंने किसानों के लिए। कहने का मतलब यह है कि आज सिंचाई हो या कृषि के ड्रिप इरीगेशन हो, स्प्रिंकल हो, फौरा खेती हो, डिग्गी निर्माण हो, तारबंदी हो, खेतों में नुकसान हो तो तारबंदी, लाखों किलोमीटर की तारबंदी करवा दी, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। और अब आगे जो है महिलाओं को स्मार्टफोन, 1,35,00,000 महिलाएं जो है जो चेंज योजना के अंदर है उन सबको 40 लाख तो मैंने बांट दिए फोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवा फ्री 3 साल के अंदर। अब बांट रहे हैं 1 करोड़ बाकी रह गया है क्योंकि इतना तालिबान एक साथ सप्लाई नहीं हो पाए, चुनाव खत्म होते ही सरकार आपने बना दी हमारी, तो 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा, 1 करोड़ महिलाओं मिलेगा। EWS के लिए उसके लिए अलग से जो आरक्षण मिला 10%, उसमें संपत्ति की शर्तें मैंने हटा दी, वो लोग सब खुश हो गए। जनरल क्लास वाले भी EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड लोग थे, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, उनके लिए हमने जो उनकी मांग थी वो पूरी करी। तो कहने का मतलब ये है कि काम इतने किए हैं, महिलाओं को रोड एक बस में आधा किराया लगता है, और अगर मंत्री पार बनवावे तो खाली 10% पैसे भी जा सकते हैं महिला कहीं पर काम करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है आपसे कि इतने काम किए कि मैं केरला गया था, केरला तो केरला में सरकार चुनाव थे अभी साल में पहले, तो मुझे वहाँ कहा, वहाँ पे हमारे यहाँ 30 साल से एक बार सरकार कांग्रेस की एक बार बीजेपी की आती राजस्थान के अंदर, वहाँ पे 70 साल से लगातार एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी आती है वहाँ पर। इस बार मैं जब गया मुझे कहा था इस बार तो कम्युनिस्ट पार्टी सरकार है वो वापस रिपीट होगी, तो मैं कहा क्यों, कहना इसलिए कि हमारे यहाँ सरकार ने कोरोना में अच्छा काम किया। तो मैंने कहा भाई अगर कोरोना में आप लोगों ने सरकार रिपीट कर दी, बाद में रिपीट हो भी गई थी, तो मैंने मन में सोचा ये कोरोना से अगर रिपीट हो सकती है यहाँ तो
इकतीस की में लगा लागू कर दिया हम लोगों ने, 25 लाख का बीमा दे दिया, ओपीएस दे दिया कर्मचारियों को, कोई सोच नहीं सकते थे वो। एक के बाद एक योजना हम ला रहे हैं, 10 महंगे इलाज ने गारंटी दी है और आगे 7 गारंटी और देने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती है? अगर आपका आशीर्वाद होगा और सरकार रिपीट तभी होगी तो जब आपका एमएलए जीतेगा तो रिपीट होगी। इसका मतलब है अगर आप चाहते हो सरकार बने वापस, हमारी सरकार बने और हमने अच्छा काम किया अगर मान लो आपके यहाँ, तो आपको मैं अपील करूंगा कि आप कृपा करके पूरे क्षेत्र में जहाँ जा सकते हो जाओ आपस में। गाड़ियों की कमी नहीं है, मैं ऊपर हेलीकॉप्टर देख रहा था, कोई 2-2 4 किलोमीटर पे सड़क अभी गाड़ी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर। अगर आप ये निकल जाओगे काफिला लेके निकल जाओगे तो किस तरह की फतेह है, आपका आशीर्वाद मिल गया। इसलिए मैंने कहा कि अंत में मैं जो है भाषण लंबी बात नहीं कहता, आप सब तो कार्ड लेके बैठे हो 7 गारंटियों वाले, अब आपको मैं क्या समझाऊं बताइए। आप कितने सुंदर दिख रहे हो, आप लोग कार्ड ले रहते हुए आपस के अंदर कितने सुंदर दिख रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि ये 7 गारंटियां क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। देखो ये तो गृह लक्ष्मी योजना है, 10,000 रुपये महिलाओं को मिलेगा जो घर की मुखिया होगी उसे 10,000 रुपये मिलेगा, एक गारंटी तो ये है। दूसरी गारंटी 5 रुपये में गैस सिलेंडर जो है अभी खाली उज्ज्वला वालों को मिलता है, अभी दायरा बढ़ा करके जो खाद्य सामग्री का कानून में जो ले रहे राशन ले रहे हैं दुकानों से, उन सबको 1.5 करोड़ परिवारों को अब 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा, दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी है आपदा राहत गारंटी, आप देखते हैं कहीं बाढ़ आ जाती है या तो नहीं आती है, तेज आती है बाढ़, कहीं ओलावृष्टि होती है, कहीं बिजली गिर जाती है तो बहुत नुकसान बहुत होता है और बहुत कम मुआवजा मिलता है नियमों के अंदर। हमने कहा 15 लाख की गारंटी देंगे, 15 लाख तक का मुआवजा मिलने लग जाएगा, किसानों को आराम हो जाएगा, ये भी एक गारंटी है। एक गारंटी है गोधन की गारंटी है गायों का, कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, गाय छोड़ देते हैं गलियों के अंदर मोहल्लों के अंदर फिरती रहती है, दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाय मर जाती है कि आदमी मर जाते हैं, तो तमाम गायों को वहां पर बाड़ों में रखा है, जगह जगह बाड़े बना दिए। अगर दुधारू पशु है तो पशुपालक ध्यान भी रख लेता है, शाम को अपने घर पर ले आता है गाय को दूहने के लिए, दिन भर वहां आराम से विचरण करती है बड़े बड़े बाड़ों के अंदर, पीने के पानी का अच्छा इंतजाम, चारे का प्रबंधन शानदार, और गोबर जो है गोबर सरकार खरीदती है वहां पर। हमने भी तय किया है ये योजना राजस्थान लागू करेंगे, जिससे कि हमारे ये गायें जितनी भी है ये खेतों में नुकसान भी, कई बार नंदी करती है कोई करती है, तो हमारे यहाँ भैंसे ही बहुत है राजस्थान में, तो वहाँ खाली गाय गाय हैं। हम चाहते गाय भैंस का गोबर जो है पूरा गोबर सरकार खरीदेगी घरों से या बाड़ों से, और उसका फिर खाद बनाएगी, उनके अलग फैक्ट्री लगाएंगे, खाद बनेगी, बायोमास बनेगी, वो काम आएगा जलने के लिए जलाने के लिए। इस प्रकार से गाय माता का जो सम्मान है वो हम पूरा कर रहे हैं। लंबी रूप में गाय मर गई थी, 40,000 रुपये दिए हमने एक गाय मरने पे, मैंने कहा आपको पशुपालन जो ये आपके हमारे विपक्ष के लोग हल्ला करते हैं, अरे असली गोभक्त हम लोग हैं, तुमने ए भाई ए डिस्टर्ब मत करो, 500 पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपये खर्च किए गौशालों को अनुदान दिया राजस्थान भर में 5 साल में, और हमने कितना दिया मालूम आपको, 3,000 करोड़ रुपये अनुदान दिए गौशालों को गाय रखने के लिए, इतना बड़ा फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि काम की कोई कमी रखी नहीं है,
शानदार काम हुए और हमारी चर्चा पूरे देश में हो रही है, राज्यों के अंदर पहली बार राजस्थान की चर्चा हो रही है। दो गारंटी हमने दी है छात्रों को, एक तो है अंग्रेजी पढ़ाने की गारंटी। आप देखते हैं स्कूलें खोली अंग्रेजी की, कई जगह 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, इतने अच्छे बच्चे तैयार हो रहे हैं। मैं कई कैंपों में गया, महंगे राज शिविरों में मुझे मिले बच्चे, बच्चे हैं अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। जमाना बदल गया है, पहले बचपन में मैं जब पढ़ता था छात्र था मैं भी खिलाफ था अंग्रेजी के, ये क्या काम आएगी। अब कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फोन आ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो देश भर के अंदर बम्बई है, दिल्ली है, लंदन है, अमेरिका जाएंगे आगे पढ़ाई करने के लिए और उनका पूरा भविष्य है वो बहुत बड़ा मजबूत हो जाएगा। ये छोड़ के मैंने गांव में भी स्कूल खोल रहे हैं, शहरों में भी खोल रहे हैं। मुझे खुशी है गांव वालों ने इसको स्वागत किया है। आज लॉटरी खोलनी पड़ती है प्रवेश के लिए, इतनी मांग हो गई इसकी। हम चाहते हैं कि लॉटरी खोलने नौबत नहीं आए, जहाँ जरूरत होगी हिंदी स्कूल के साथ में अंग्रेजी भी खोल दी जाएगी, ये हम गारंटी दे रहे हैं, सबको गारंटी दे रहे हैं। एक गारंटी तो बारहवीं में बच्चे पढ़ते हैं और अभी जाएंगे अगली बार, अगली साल जाएंगे फर्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में, तो प्रवेश लेते ही उनको टैबलेट या लैपटॉप मिलेगा पढ़ने के लिए, वो कंप्यूटर का काम करता है। अब वो अपने माँ बाप से मांगे 15-20 हज़ार का खर्चा होता है, माँ बाप भी कहाँ चलाए, पैसे वाला नहीं है तो सेकेंडरी खरीदे उसको अच्छा नहीं लगता है। हम उनको नया लैपटॉप टैबलेट देंगे, ये हम वादा कर रहे हैं उससे, जिससे कि वो शुरुआत में वो पढ़ाई कर सके, आईटी बेस कंप्यूटर बेस पढ़ाई कर सके, ज्ञानवर्धन कर सके, दुनिया से जुड़ सके। और पढ़ाई आजकल डिस्टेंस भी होती है, जयपुर से क्लासेस लगती है, गांव बैठे बैठे आप उस कंप्यूटर से पढ़ सकते हो, जैसे मोबाइल से पढ़ते हैं कई लोग। कोरोना में लोगों ने पढ़ाई की घर बैठे बैठे की थी कई जगह पर, ये तमाम योजनाएं हम बना रहे हैं। 2030 का जो मिशन रखा था मैंने वो यही रखा था, आने वाला राजस्थान कैसा बने उसमें हम लोगों की राय ली, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला हम लोगों को। हम डॉक्यूमेंट तैयार किया आगे के भविष्य के लिए, 2030 तक राजस्थान कहाँ पहुंचे। जैसे आप फलौदी जिला बना दिया हमने, उससे क्या होगा, अब फलौदी जिला जो बना है आने वाले वक्त में मास्टर प्लानिंग से कैसे जिला का रूप हो, कैसे निखार इसमें आए, कहाँ पर कलेक्टर दफ्तर बनेगा, कहाँ एसपी के दफ्तर बने, कहाँ अलग विभागों के ऑफिस बनेंगे, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए ढंग से, तब जाके आने वाले वक्त में सुंदर लगेगा फलौदी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये सोच के साथ में तमाम नए जिले बने, और मैं कह रहा हूँ आप लोग प्लानिंग चलो, प्लानिंग से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लास्ट गारंटी है ओपीएस गारंटी, जो हमने लागू कर दिया कर्मचारियों के लिए, पर सरकार आएगी तो हम लोग ओपीएस को पक्का करने के लिए कानून पास करेंगे असेंबली के अंदर, ये मैं वादा करता हूँ लोगों से। इसलिए मैं अब लंबी बात नहीं कहता हुआ, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि जो खड़े हैं आपने कृष्णा राम विष्णोई जी तो लोहावट से, प्रकाश छंगानी जी फलौदी से खड़े हैं, और जोधपुर जिला ही अभी अब आप अलग हुए हो, अलग तो हुए हैं पर अभी तक तो लगाव तो ही है जोधपुर से भी, आपका रहना भी चाहिए जिंदगी भर। तो जोधपुर से ओशिया से दिव्या मरियाना खड़ी है, भोपालगढ़ से गीता भरवड़ खड़ी है, शेरगढ़ से श्रीमती मीना कंवर है, बिरला से मोहनलाल कटारिया है, और जोधपुर शहर से भी मनीषा पंवार, सूट सागर से सज्जाद खान, और सदापुरा से कौन है अशोक गहलोत। तो बताइए आप इन सबको जिताओगे तो सरकार बनेगी आपकी। और पोखरण अभी नजदीक है, सारे मोहम्मद खड़े हैं, सारे मोहम्मद खड़े हैं पोखरण से, आगे रूपराम जैसलमेर से, सब लगता लगता एरिया आपका है चारों ओर। तो मैं आपसे अपील करूंगा जहां अभी पहुंच हो, क्योंकि आप घर के लोग हो, और जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो आपका खुद के लिए आशीर्वाद लेने आया हूं और कृष्णा राम के लेने आया हूं, तो आप समझ जाइएगा आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है
मजबूती के साथ में आपको काम करना है, चुनाव जिताना है, कमजोरी रखनी नहीं है, क्योंकि थोड़ी फूट पड़ने वाली बात आ गई थी, वो खत्म करो फूट को, एक करो, सब मिलके लड़ो, तब जाके हम कामयाब हो पाएंगे। कृष्णा राम ने काम में कमी रखी नहीं, कोई कमी नहीं रखी, और आप देखो ना इतने काम इन्हें करवाए, कहीं हुए हैं कि इतने काम, तब फिर क्यों मतलब कई बातें होने लग गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी भावना समझ रहे हैं और आप कोई कमी रखो नहीं, जीता के लाओगे तो मैं समझता हूं आपको लगेगा आने वाले वक्त में लोहावट में और विकास के काम होंगे, और जो कृष्णा राम मुझे कहेगा, जो आपकी मांग होगी सब मांगे पूरी होगी। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।